भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, ये नारा बोलने के लिए ही नहीं अब सिद्ध हो चुका है। 22 तारीख ऐतिहासिक दिन है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा राम भगवान का अयोध्या में। लेकिन पटना में भी ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिल रहा है, पूरा पटना राममय हो चुका है। मौजूद है डाक बंगला चौराहे पर, अब देखिए 1.25 लाख दिए का इंतजाम किया गया है। किस तरह से यहाँ पे जो भक्त हैं वो दिए लगा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पे भक्ति देखने को मिल रही है। पूरा डाक बंगला सज चुका है, हर जगह पोस्टर लगा हुआ है जय श्री राम जय हनुमान। तो अब देखिए किस तरह से भक्तिमय हो चुके हैं। जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे उनके लिए कहीं ना कहीं यहीं पे ये लोग मनाएंगे राम मंदिर का जो हो रहा है। और अगर हम बात करें दिवाली की तो कहीं ना कहीं आज ही सब दिवाली मना रहे हैं और राममय हो चुके हैं सब कोई। देखिए भक्त लोग किस तरह से यहाँ पे दिए लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भक्ति है वो देखने के लिए मिल रही है। हर जगह पे राममय हो चुके हैं, हर जगह पे लोग जितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कहीं ना कहीं उनका इंतज़ार अब ख़त्म होते हुए दिख रहा है। चलिए हम लोगों से ही मिलेंगे और हम बात करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है इस चीज़ को लेके। और साफ तौर पे देखिए लोग हनुमान मंदिर भी जा रहे हैं और यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो साफ तौर पे देखिए किस तरह से कर रहे हैं। मैम कैसा लग रहा है आज का दिन? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा राममय हो चुका है, जो अयोध्या नहीं जा पाए उनको क्या कहेंगी? अयोध्या अगर जो लोग नहीं जा सके हैं वो घर से ही अपना वो दीप जला के उनका स्वागत कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे हम लोग अयोध्या नहीं जा सके हैं, हम लोग यहाँ पे दीप उनका स्वागत के लिए हम लोग दीप सजा रहे हैं हम लोग वहाँ पे। अच्छा जो विरोध करते हैं उनको क्या कहेंगे? जो विरोध करने के लिए तो बहुत लोग हैं यहाँ पे, उन लोग के लिए क्या ही कहना। बाकी जो राम जी जो लोग हैं उनके स्वागत के लिए तो खैर हम लोग तो भाई शुरू से है और इतने साल के बाद भाई 14 साल के बाद यहाँ पे मतलब क्या कर खुशी का मतलब माहौल जो है बहुत। अच्छा, ही जो लोग सोचते थे दिवाली अक्टूबर में मनाया जाता है कहीं ना कहीं आज दिवाली वाला माहौल देखने को मिल रहा है। हाँ क्योंकि आज लग रहा है कि फिर से हमारे राम हमारे घर आ रहे हैं और मतलब दोबारा से दिवाली मनाना ये बहुत बड़ी बात है जो हम लोग को ये शुभ मिला है घड़ी। तो जो एक शब्द में आप बोलिए जो लोग विरोध करते हैं क्या कहेंगे उनको एक शब्द में? मैं उन लोगों को कुछ नहीं कहूंगी, वो लोग की सोच ही वैसी है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। कोई धर्म पे आपका बात उठाएगा आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे? जो धर्म की बात है तो उन लोग की तो भाई जो सनातन धर्म है हम लोग शुरू से सनातन धर्म के विरोध थोड़ी ना है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जाग गया है, हिंदू जाग गया शुरू से ही जागा हुआ है। जो लोग नहीं जाग रहे हैं उन लोग की सोच पुरानी सोच है, उन लोग को क्या ही कहना हम लोग। ये बिल्कुल देखिए यहाँ पे जिस तरह से तैयारी चल रही है, हम लोगों से बात करने के लिए आए हैं, क्या उनका कहना है आज के दिन के लिए क्या कहेंगे सर? आप कहिए सर क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है ये सब देख करके। जो लोग नहीं जा पाए उनको क्या कहेंगे? वैसे तो सबको जाना भी नहीं था वहाँ, लेकिन 22 के बाद सब लोग जाएंगे ही और बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? जो लोग विरोध कर रहा है वो उनका दिमागी स्थिति सही नहीं है, संतुलन में आना चाहिए। अब बिल्कुल आना चाहिए। जाग गया? बिल्कुल जाग गया है, सोया ही कब था। देखिए और भी लोग हम इनसे जुड़ेंगे और हम बात कहेंगे, क्या कहेंगे आज के दिन के लिए सर? आज शब्द नहीं है मेरे पास जी। मतलब हम सोचे नहीं थे कभी कि मतलब राम का ये पूजा पाठ ये आज का ये देख पाएंगे, लेकिन आज मेरा जिंदगी सफल हो गया राम के आने पर और बहुत खुशी। अपने खुशी को हम इस मीडिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते। और दो लाइन गाना चाहेंगे राम के लिए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के मैं घर को सजाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे राम आएंगे। अच्छा जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या बोले? विरोध वाले के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, समय के साथ उनका विरोध बंद हो जाएगा। हिंदू जाग गए? हाँ जाग गए। क्या कहोगे बाबू? हम बस बोलना चाहेंगे जय श्री राम। क्या कहेंगे आज के दिन के लिए सर? देखिए आज का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम लोग को, 500 वर्ष की जो तपस्या थी, महासंतों का बलिदान था, संघ के जितने भी हमारे लोग शहीद हुए थे इस तपस्या इस बलिदान में, आज सब भारतवर्ष इसे एक अलग दृष्टिकोण से एक अलग मानो श्री राम फिर से अयोध्या पधार रहे हो आज, और अपने आज अयोध्या धाम में फिर से उनका राज तिलक होने वाला है। हम लोग सब भगवामय हो चुके हैं, पूरा भारतवर्ष। विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए विरोधी को मैं यही कहना चाहूँगा,
कि थोड़ी सन्मति उनको भगवान प्रभु श्री राम प्रदान दे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। हम लोग तो बैतरणी पारव होंगे प्रभु श्री राम के नाम पर, वो लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। मैं आज उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, आज आज सिर्फ मैं राम का गुणगान करना चाहता हूँ। राम का चरित्र, राम की मर्यादा स्वयं में पाठशाला है जो मानव जाति को जीवन जीने की कला सिखाती है, और इसीलिए उन्होंने धरती पर अवतरण लिया था कि मानव को कैसे त्याग तपो और संतजन सत्कर्मों का रक्षा करना है। यही गुण हम लोग मानव जाति को अपने अंदर आत्मसात करना है और इसी राह पर चलकर जीवन को सुंदर और सार्थक बनाना है। गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार कर दिया है, इसे राममय बना दिया है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किस तरह से राममय हो चुका है राजधानी पटना, और साफ तौर पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा किस तरह से राममय हो चुके हैं। चलिए आपको हम लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे, क्या कुछ नजारा सामने आता है। बने रहे कुछ न्यूज के साथ, मैं काजल सर्विस।